जब कभी भी दुनिया में सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स का लिस्ट निकाला जाता है, तब नेपाल का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ के एयरपोर्ट्स इतने खतरनाक है कि एक गलती के बाद उसे सुधारने का दूसरा मौका नहीं मिलता। यहाँ के पायलट्स हर दिन मौत से खेलते हैं और हर सुरक्षित लैंडिंग के बाद उन्हें ऐसा लगता है मानो उन्होंने कोई जंग जीत लिया हो। पर आखिर क्या वजह है जो यहाँ के एयरपोर्ट्स को इतना खतरनाक बनाती है, जानेंगे पूरा कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में। 29 मई 2022 तारा एयर का एक विमान हिल से जा टकराया। फरवरी 2016 में तारा एयर फ्लाइट 193 भी ठीक उसी रास्ते से जा रहा था और ये प्लेन भी कुछ इसी तरीके से क्रैश हो गया। अग्नि एयर भी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। ये सारी घटनाएं हाल में हुई घटनाएं हैं जो नेपाल में हुई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन और प्लेन्स के बहुत सारे लिमिटेशंस। हाल में हुई घटना तारा एयर का ही एग्जांपल लेते हैं जो एक हिल से जा टकराया। ये प्लेन 2 इंजन वाला छोटा प्लेन था जो ऑलमोस्ट 8 से 10 हजार फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भरा करता था, लेकिन यहाँ पर खुद नेपाल के पर्वतों की ऊंचाई 10 हजार फीट से भी अधिक है। इवन तारा एयर का मलबा करीब 14 हजार फीट के एल्टीट्यूड पर मिला था। यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्लेन्स जो 8 से 10 हजार फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भरते हैं, ऐसे में हिल की ऊंचाई और प्लेन के ऊंचाई का फासला कितना कम हो जाता है। इसीलिए नेपाल के छोटे छोटे प्लेन्स पर्वतों के ऊपर से नहीं बल्कि साइड से उड़ान भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हिल है, दोनों हिल के बीच में काफी जगह होती है, यहीं पर ये छोटे छोटे प्लेन्स उड़ान भरते हैं। इवन नेपाल का जोमसम एयरपोर्ट भी 2 पर्वतों के बीच ही बनाया गया है। नॉर्मली जब आसमान साफ हो तो प्लेन्स आराम से फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब बादल हो जाए तो पर्वतों को देखना भी मुश्किल हो जाता है। ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि प्लेन पर्वत के साइड से उड़ रहा है या फिर उसके ऊपर से। इस कंफ्यूजन में ज्यादातर प्लेन्स क्रैश हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में पायलट्स भी आखिर क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर छोटे प्लेन्स की कैपेसिटी उतनी अधिक नहीं होती कि वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों के ऊपर से उड़ सके, तो फिर इन छोटे प्लेन्स को उड़ाया ही क्यों जाता है? क्यों बड़े बड़े पावरफुल प्लेन्स को नेपाल में नहीं उड़ाया जाता? वेल, इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र। बड़े बड़े प्लेन्स को टेक ऑफ और लैंडिंग कराने के लिए बड़े बड़े और लंबे रनवे की भी जरूरत पड़ती है और पहाड़ों के ऊपर कोई भी इतना बड़ा और लंबा रनवे नहीं बना सकता। और चलो मान भी लेते हैं कि लंबे रनवे को बना दिया गया, तब भी बड़े विमान के लिए ये घाटे का सौदा होगा, क्योंकि एक एयरलाइन कंपनी तभी सर्वाइव कर सकती है जब उसका सीट फुल हो जाए। और यहाँ पर एक और फैक्टर आ जाता है टर्बुलेंस की। प्लेन जितना बड़ा होगा उसे उतनी ही टर्बुलेंस का सामना करना पड़ेगा। अब क्योंकि नेपाल पूरा पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ है, ऐसे में प्लेन्स को बहुत सारा टर्बुलेंस का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण की। एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट जो 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा है, उसे लैंड कराने के लिए 10,000 फीट नीचे आना पड़ेगा। लेकिन नेपाल में ऐसा केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट सी लेवल पर नहीं बल्कि कई हजार फीट ऊपर बनाया जाता है। मतलब कि अगर प्लेन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है और 8,000 फीट ऊपर एयरपोर्ट है, तो प्लेन को लैंड कराने के लिए सिर्फ 2,000 फीट नीचे आना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर पूरा मैथमेटिक्स ही बदल जाता है। और इसी बीच अगर प्लेन इधर उधर हो जाए और ये प्लेन किसी ऐसे हिल की ओर निकल जाए जिसकी ऊंचाई ही 9,000 फीट है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो नेपाल में बहुत खतरा है, इसीलिए तो इन खतरों से बचने के लिए बहुत सारे रूल्स को फॉलो किया जाता है, जैसे कि रात में प्लेन को नहीं उड़ाना है या फिर लो विजिबिलिटी में भी प्लेन को नहीं उड़ाना है। हमेशा एक्सपीरियंस कैप्टन को ही प्लेन को उड़ाने की इजाजत दिया जाता है। इतने सारे रूल्स के बावजूद भी हादसे होते हैं, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। 19 मई 2022 में भी जब तारा एयर क्रैश हुआ, उस वक्त भी मौसम खराब था। सबको ये पता था कि खराब मौसम में नेपाल एयरपोर्ट कितना खतरनाक हो जाता है, फिर भी तारा एयर को टेक ऑफ करने की इजाजत दे दिया गया। जब ये प्लेन क्रैश हुआ, तब फ्लाइट रडार 24 के अनुसार ये प्लेन 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस प्लेन का मलबा 14,500 फीट के एल्टीट्यूड पर मिला, मतलब कि 1,000-1,500 फीट ऊपर। मुझे लगता है कि ये प्लेन हिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। तभी पायलट को ये अंदाजा हो गया कि वो पर्वत के साइड से नहीं बल्कि ठीक उसी की ओर फ्लाई कर रहे हैं। तुरंत ही उन्होंने अपने एल्टीट्यूड को बढ़ाया होगा। इसी दौरान प्लेन का कोई पार्ट पर्वत से टकराया होगा, लेकिन ये प्लेन रुका नहीं। टकराव के बाद भी ये प्लेन ऊपर की ओर डगमगाते हुए उड़ता रहा और फाइनली 14,500 फीट के एल्टीट्यूड में जा गिरा। हालांकि इसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आना भी बाकी है।